सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जीवन आध्यात्मिक शिक्षाओं और गहन अनुभवों से भरा था। यहाँ एक संक्षिप्त चरण दर चरण कहानी दी गई है। एक, जन्म और प्रारंभिक वर्ष 1479-1496। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी, अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने आध्यात्मिकता में गहरी रुचि दिखाई और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाए। दो, 87 वर्ष की आयु में नानक को एक नदी के किनारे ध्यान के दौरान दिव्य रहस्योद्घाटन हुआ। वह 3 दिनों तक गायब रहे और एक संदेश के साथ फिर प्रकट हुए। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। इसने ईश्वर की एकता और सभी लोगों की समानता पर जोर दिया। 3, यात्राएं 1507 से 1521। गुरु नानक ने लंबी यात्राएं की जिसमें मक्का, बगदाद और तिब्बत जैसे स्थानों सहित विशाल क्षेत्रों को शामिल किया गया। उनका उद्देश्य एकता, समानता और एक ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश फैलाना था। 4, सामुदायिक सेवा। गुरु नानक करतारपुर में बस गए और सामुदायिक सेवा में लग गए। उन्होंने ईमानदार जीवन, समानता और साझाकरण पर जोर देते हुए एक अद्वितीय सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की। उनके आसपास समुदाय का विकास हुआ और सिख धर्म की नींव पड़ी। 5, शिक्षाएं और धर्म ग्रंथ, आदि ग्रंथ। गुरु नानक की शिक्षाओं को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था। उनके लेखन में प्रेम, भक्ति और मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर दिया गया है। 6, विरासत और उत्तराधिकार। अपने निधन 1520 से पहले गुरु नानक ने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उनका नाम बदलकर गुरु अंगद रखा। यह परंपरा जारी रही। बाद के गुरुओं ने सिख समुदाय का नेतृत्व किया। गुरु नानक के जीवन ने सिख सिद्धांतों के लिए आधार तैयार किया, एक ऐसे समुदाय को बढ़ावा दिया जो समानता, निस्वार्थ सेवा और एक ईश्वर के प्रति समर्पण को अपनाता है। दे